नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। 28 सितंबर को साफ सफाई का जिम्मा जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया गया है, जिसके बाद से मुंब्रा शहर में कोई भी साफ सफाई हुई नहीं है। यहां पर जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि कचरों का अंबार लगा हुआ है। MIM के सैफ पठान जो है उन्होंने इसकी शिकायत लेटर देकर की है। आइए हम जानते हैं उन्हीं से। TMC के जो उपायुक्त है गन कचरे विभाग के बरफुले साहब, उनसे हम लोगों ने मुलाकात की, उनको हम लोगों ने लेटर दिया। लेटर में हमने साफ साफ कहा है कि साहब 3 दिन से कचरे शहर से नहीं उठाए जा रहे हैं, जिसके चलते यहाँ बीमारी फैल सकती है, यानी लोगों को तकलीफ हो सकती है, उसका जिम्मेदार कौन? गंदगी तो होते जा रही है, कचरों का अंबर लगता जा रहा है, इससे होने वाली बीमारियों का जिम्मेदार कौन? इसके साफ साफ जिम्मेदार आप ही हो गए, हमने TMC से कहा है। आप जब लेटर दिए तो इसके बारे में आपको कुछ आश्वासन दिया गया? बरफुले साहब ने हमें ये कहा कि 48 घंटे के अंदर अंदर पूरा कचरा उठाया जाएगा। अगर उन्होंने शायद कोई प्राइवेट कंपनी को दिया हुआ है, अगर उन लोगों ने नहीं किया तो वो खुद पर्सनली आकर के कचरा उठाएंगे। और हम लोगों ने उनको साफ कहा कि अगर ये 48 घंटे में नहीं हुआ तो इसके बाद MIM। लेकिन यहाँ 3 दिन हो गया, 28 सितंबर को एक प्राइवेट कंपनी, क्रिस्टल नाम कंपनी है, उसको जो है जिम्मा दिया गया साफ सफाई का, तब से लेकर अभी तक पूरे मुंब्रा शहर में कचरा का ढेर ऐसे ही लगा हुआ है, कोई साफ सफाई नहीं हुई। आपको आपने लेटर भी दिया, लेटर के बाद आपको आश्वासन दिया गया है, आपको क्या लग रहा है कि ये कचरा 1 दिन में 2 दिन में साफ हो जाएगा? देखिए, लेटर देने के बाद का रिजल्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन लोगों ने छोटी छोटी यानी पिकअप्स रखी थी जो क्रिस्टल कंपनी ने, लेकिन हम लोगों के लेटर देने के बाद, हम लोगों के वार्निंग देने के बाद आप देख सकते हो कि डंपर्स आए हुए, प्राइवेट JCP आई हुई है और हर जगह जगह हम लोग हर जगह सर्वे कर रहे हैं, हर जगह जगह पर JCP के थ्रू और डंपर्स के थ्रू कचरा उठाने का काम बड़ी तेज़ी से उन लोगों ने शुरू किया है हमारे लेटर दे के आने के बाद। और हमने उनको साफ साफ कहा अगर आप नहीं उठाओगे तो हम लोग उठाएंगे और हम जहाँ डंप करेंगे फिर आप बोलना नहीं, उसके जिम्मेदार आप, क्योंकि हम शहर के लोगों को बीमार होते हुआ नहीं देख सकते। प्राइवेट हुआ है जब से कचरा, तो क्या प्राइवेट होने के खिलाफ आप नहीं है? नहीं, हम लोग बेशक प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। अगर देखिए, आप शहर को हर चीज़ में प्राइवेट किया जा रहा है, उसका नतीजा आप अभी एक देखिए कि आज हमारे वहाँ पर क्या कचरे साफ नहीं होते थे, डेली बेसिस पे होते थे काफ़ी, यानी 250-200। बरफुले साहब ने बताया कि उनके 200 से ज़्यादा स्टाफ थे और उन लोगों ने शहर को क्लीन रखने में पिछले 30 सालों में काफ़ी योगदान दिया है। सडनली क्या पता किन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए हमने जब उनसे कहा कि आपने प्राइवेट क्यों कहा, तो उन्होंने कहा कि हमने प्राइवेट नहीं किया, यहाँ के कुछ नगर सेवकों ने यानी इसका ठहराव पास, प्रस्ताव पास करवाया है महासभा में, और उसके बाद जा करके आपने खुद देखा होगा कि MLA ने ओपनिंग की, भाजपा के MLC है, उनकी कंपनी है क्रिस्टल करके, लाड साहब की। हमें समझ में नहीं आता कि ये भाजपा और NCP का क्या साजगार्ड है और क्या मेल जोल है, जिसके चलते हर प्राइवेटाइजेशन उनकी कंपनी को दिया जा रहा है शहर में। तो ये भी आ रही है कि बिजली विभाग को भी जो है प्राइवेट किया जाएगा? देखिए, उसके खिलाफ हम लोगों ने पहले कई लेटर दे चुके हैं और वो प्राइवेटाइजेशन होने से शहर को काफ़ी नुकसान होगा। आज NCP के ही कुछ लोग भिवंडी में प्राइवेटाइजेशन के, बिजली प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ धरना दे रहे NCP के कुछ लोग, और यहाँ NCP के लोग उसको प्राइवेटाइजेशन को समर्थन कर रहे, जैसे कि अवार्ड साहब की मिसेस ने वहाँ पर कहा था कि हम प्राइवेटाइजेशन का मन बना चुके हैं, पहले हमने नहीं बनाया था लेकिन अब हमने मन बना चुके हैं और हम प्राइवेटाइजेशन को देंगे। तो आपके लोग भिवंडी में क्यों बोल रहे, चिल्ला रहे कि वो गलत है, वहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है, बिल ज़्यादा दिया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है? हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ थे, हम उनके खिलाफ भी जाएंगे और स्टेडियम प्राइवेट। लेकिन आपका कहना है कि आपने जो लेटर दिया है उस लेटर में ये नहीं कहा है कि हम प्राइवेट के खिलाफ, आपने ये बात बताई है उनको हम प्राइवेट के खिलाफ? हमने लेटर में साफ साफ लिखा है कि अगर इस शहर को तकलीफ हुई तो उसकी जिम्मेदार TMC होगी, क्योंकि एज अ टैक्स पेयर मैं TMC से सवाल कर सकता हूँ, वो उनका डिसीजन है प्राइवेटाइजेशन करना। हमने उनको नहीं कहा था कि हमारे को प्राइवेटाइजेशन करके हमारे शहर को बर्बाद करो, वो उनने डिसीजन लिया है, तो हम उनने जिसको लाया हम उनको नहीं पूछेंगे, हम आपसे सवाल करेंगे। यानी आप ये मानते हैं कि अगर बिजली हुआ और ये साफ सफाई का हुआ, प्राइवेट हो रहा है तो शहर बर्बाद होगा? सीधा सीधा क्या बोलते हैं, नेताओं को फ़ायदा पहुंचाने के लिए प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उनका कुछ उसमें है कुछ झोल झपट इसके लिए किया जा रहा है, नहीं तो आवाम को क्या तकलीफ है? यानी कौन किसको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है? वो तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पेपर के साथ नाम देंगे, अभी इतनी घाई कि हम लोग कर रहे, पेपर प्रोसीजर चालू है हमारा, इंशाल्लाह नाम पेपर के साथ लाएंगे, लोगों के सामने उनको हम बेनकाब करके रहेंगे। आज आप ही सोचिए ना, NCP यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी है, MLA NCP का है, और यहाँ प्राइवेटाइजेशन धड़ाधड़ हो जा रहा है, स्टेडियम प्राइवेटाइजेशन, हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन करने की बात हो रही है, अभी एक कचरा कंपनी को ला करके, क्रिस्टल कंपनी को ला कर कचरा यानी उठाने का काम प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, जिससे चलते आज शहर परेशान हो गया, स्टार्ट में ही 3 दिन में परेशानी हमको दिक्कत आ रही है। लेकिन आप खुलकर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जितेंद्र आवाज पर निशाना साध रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि शायद उनका समर्थन है इस चीज़ों को, और मैं जानता नहीं कि उनका कुछ लाभ है या नहीं है, लेकिन लग रहा तो ऐसी कुछ है। उद्घाटन तो उन्होंने ही किया ना? हाँ, अभी आप उनसे ये सवाल करिए कि उनको क्या प्रॉफिट मिल रहा है उद्घाटन, वो फट से अपना पल्ला झाड़ देंगे कि मैं तो यानी
नहीं, आप कह रहे हैं कि जो उनको कुछ प्रॉफिट पहुंचाया जा रहा है, तो जितेंद्र आवाज किसको जो है फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेट करने के लिए? ये तो अब जितेंद्र आवाज साहब ही बता सकते हैं, क्योंकि आवाम को तो इससे फ़ायदा नहीं है। ऐसा यहाँ के वो MLA रिप्रेजेंटेटिव है, आवाम की फिक्र उनको करना चाहिए, आवाम को इसका जवाब देना चाहिए उनको कि प्राइवेट करने से आवाम को क्या फ़ायदा होगा। आप एक पत्रकार हो, आप जानते हो आज भिवंडी में इसने कभी दो दिन पहले इन लोगों ने एक धरना किया था, रोड पे उतर के आए थे इसके खिलाफ, टोरेंट के खिलाफ, और यहाँ पर टोरेंट को देने की बात हो रही है, प्राइवेट करने की बात हो रही है MSEB, तो जाहिर सी बात है ये दो चेहरा दिखाया जा रहा है। यहाँ से 10 किलोमीटर दूर कुछ और, 10 किलोमीटर के अंदर कुछ और। सर भाई, बर्फुल्ले साहब ने क्रिस्टल कंपनी के बारे में आपको कुछ बताया? जी, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारी गलती नहीं है, प्राइवेटाइजेशन हो गया है, क्रिस्टल कंपनी करके कंपनी को हमने दिया है उनको, तो हमने कहा कि आपने ऐसे कैसे जिसको नॉलेज नहीं उसको कैसा दिया, तो उन्होंने बताया कि नॉलेज की बात नहीं, हमने 15 दिन उनको ट्रेनिंग दी है, 3 दिन हम लोगों ने पैरेलल साथ में काम किया, उसके बाद उन लोगों की यानी उद्घाटन वगैरह हुआ और उनके हाथ में हैंड ओवर किया गया है। उसके बावजूद भी आप देखो आज हमारे लेटर के जिन लोगों एक्शन में तो आए हैं, लेकिन अभी भी ये है और कल सुबह इससे ज़्यादा कचरा हो जाएगा। और रही बात, हमने उनसे ये भी शिकायत की है कि अभी हमारे बोलने के बाद आप कचरा उठाना शुरू कर दिए हो या कचरा उठ रहा है, लेकिन जो शहर में झाड़ू लगती थी, साफ़ सफाई होती थी, उस पर अभी भी किसी का ध्यान नहीं है, वो गंदगी अपनी जगह बरकरार है और बढ़ते जा रही है। 3 दिन हो गया झाड़ू नहीं लगी है कहीं भी। उन्होंने कहा है कि नहीं, वो उनने जिम्मेदारी ली कि मैं हर चीज़ उनसे करवा के लूँगा और शहर पर यानी कुछ इसी तरह का नुकसान नहीं होने दूंगा। बीमारी जो हमने टारगेट बनाया था कि बच्चे स्कूलों से छूट रहे हैं, वो कचरों के पास से जा रहे हैं, सीनियर सिटीजन जा रहे हैं, उनको बीमार हो सकते, कुछ हो सकते, तो उन्होंने कहा है कि नहीं, हम उसका ध्यान रखेंगे, हम जितना जल्द से जल्द हो सके इसे क्लियर करेंगे। तो ये थे MIM पार्टी के सैफ पठान, जिन्होंने बताया कि बर्फुल्ले साहब ने बताया क्रिस्टल कंपनी के जो सफाई कर्मी हैं उन्हें 15 दिन ट्रेनिंग दी गई है, उसके बावजूद भी मुंब्रा शहर में कचरों का भंडार इसी तरह से लगा हुआ है, कोई साफ सफाई, कोई बंदोबस्त नहीं है, इसी तरह से हर जगह आपको जो है कचरा देखने को मिलेगा। इतनी बदबू यहाँ पर इस वक्त है कि आप जो है यहाँ पर बिना नाक पर कपड़ा लगाए, हाथ लगाए यहाँ पर रुक नहीं सकते, लेकिन मजबूरी पर राहगीर जो है यहाँ सर आते जाते हैं और ये जो पूरा कचरा यहाँ पर है ये पूरा सड़कों पर जो है जमा होता है। 1 तारीख हो गया है, यहाँ से कचरा आज उठाया जा रहा है, वो भी सैफ पठान के शिकायत के बाद यहाँ से जो है कचरा उठाने का बंदोबस्त किया गया है। यहाँ से ट्रैफिक देख सकते हैं, अब हवा चलने की वजह से पूरा कचरा जो है यहाँ पर सड़कों पर बिखरा हुआ है यहाँ पर, और इतने टाइम अगर कचरा यहां से उठाया जाता है तो मुंब्रा स्टेशन से कौसा के तरफ जाने वाली जो ऑटो रिक्शा आती हैं, अगर इस तरह से सड़कों पर लारी खड़ी होती है और कचरा उठाने का काम शाम के टाइम जारी होता है तो यातायात यानी ट्रैफिक समस्या बहुत ज़्यादा हो सकती है। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।